ट्रेटिनाइल, स्किन लाइटिंग, डार्क स्पॉट, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, एक्ने, सब का सोल्यूशन हीरो प्रोडक्ट ट्रेटिनाइल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है ट्रेटिनाइल, ट्रेटिनाइल का क्या साइड इफेक्ट है, क्या बेनिफिट है, ट्रेटिनाइल लगाना कब चाहिए, कौन सा स्किन में चाहिए, मैं पूरा बात करने वाली हूँ। बिकॉज ट्रेटिनाइल का मेरा जो जर्नी रहा है 2 मंथ का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रहा है। सो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट जो है ट्रेटिनाइल। सो ट्रेटिनाइल एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है आपका जो स्किन का प्रॉब्लम है उसको देखने के बाद। तो ट्रेटिनाइल एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो स्किन में लगाने से बहुत सारा साइड इफेक्ट भी दिखने मिलता है, जैसे कि मुझे भी मिला था। मैं साइड में आप लोगों को पिक्चर लगा दूंगी, वीडियो लगा दूंगी, आप लोग देख सकते हो कि मेरा स्किन को कैसा बैंड बजाया था ट्रेटिनाइल ने। सो बिकॉज ट्रेटिनाइल इतना ज़्यादा एक सेंसिटिव, मतलब स्किन को सेंसिटिव तो कर ही देता है, मैं ऑलरेडी मेरा स्किन सेंसिटिव है, तो ट्रेटिनाइल इतना स्ट्रॉन्ग एक एसिड है, जब भी स्किन में जब डायरेक्ट जाता है तो स्किन में थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। स्किन में बहुत सारा साइड इफेक्ट, जैसे कि इसका बहुत ज़्यादा ड्राइनेस कर देता है, स्किन में इचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो प्रॉब्लम है, अगर आपको एक्ने है तो आपको एक्ने के और ज़्यादा बड़ा कर देगा, और आपका अगर एक्ने स्कार है, वो पेन पोर्स है, तो वो और भी बहुत ज़्यादा दिखने मिलता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ट्रेटिनाइल शुरू शुरू में जब आप लगाओगे ये सारे साइड इफेक्ट दिखने मिलता है। ट्रेटिनाइल बेसिकली एक्ने पोर स्किन के लिए ही प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है, एक्ने के लिए। अगर किसी के एक्ने है तो उस टाइम अगर ट्रेटिनाइल दिया जा रहा है तो एक्ने बहुत अच्छे से वर्क करता है। एंड जिसके एक्ने होता है, ठीक होता है, फिर होता है, जैसे कि मुझे अभी हो रहा था 3-4 महीने से, तो उसके लिए भी ट्रेटिनाइल को यूज़ किया जाता है। जैसे कि मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज मैं जॉब करती हूँ एंड अभी मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ, तो जॉब और यूट्यूब दोनों को संभालते हुए मुझे नींद नहीं मिलती है प्रॉपर। अभी मैं 3 से 4 घंटा सोती हूँ, कभी कभी 6 घंटा हो जाता है वो सैटरडे संडे, अदरवाइज मेरा सोने को नहीं होता है, मैं बहुत ज़्यादा भी काम में मसरूफ हूँ। इसके वजह से मेरा जो स्लीपिंग जो ये पैटर्न है वो पूरा बर्बाद हो चुका है। एंड इसके वजह से भी हो सकता है मेरा जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, मेरा बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा था फोरहेड में, चीक में, कहीं मतलब ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मैंने जब डॉक्टर दिखा, डॉक्टर ने मुझे फिर ट्रेटिनाइल प्रिस्क्रिप्शन किया। सो ये ट्रेटिनाइल लगाने से मेरा 2 हफ्ता बहुत ही स्किन डैमेज हो गया, मेरा स्किन में पीलिंग होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गया, स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग होता था माउथ के एरिया में, मतलब मेरा जो आइस के दो साइड में, फोरहेड में एकदम जैसे इचिंग हो रहा था, ऐसा लगता था कि पूरा एकदम अच्छे से इचिंग एकदम ऐसा सब मैं अपना स्किन के साथ कर रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, और पूरा स्किन रेड हो गया था, रेडनेस आ गया था, और ज़्यादा मुझे पिंपल्स नज़र आ रहा था, और ज़्यादा रैश नज़र आ रहा था। बट मैंने डॉक्टर को फिर जब डॉक्टर के साथ फिर से जब मैंने कॉन्टैक्ट किया कॉल में, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये सारे चीज़ होता है बिकॉज ट्रेटिनाइल एक इतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो स्किन में एडजस्ट होने के लिए, स्किन इसके साथ इंट्रोड्यूस होने के लिए थोड़ा सा वक्त लेता है। सो टू वीक जब चला गया, उसके बाद मेरा स्किन धीरे धीरे लाइन पे आने लगा। सो ट्रेटिनाइल का जो साइड इफेक्ट है वो तो मैंने बता दिया, ट्रेटिनाइल जो एक्ने पोर स्किन के लिए वो भी मैंने बता दिया कि लगाना होता है, पर ट्रेटिनाइल को भी और भी बहुत सारा पर्पस से लगाया जाता है, जैसे कि रिंकल के लिए, एंटी एजिंग के लिए, जो फाइन लाइंस आ जाते हैं आंखों के नीचे माउथ एरिया में, वो सारी चीज़ के लिए भी ट्रेटिनाइल को यूज़ किया जाता है, पर विथ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ। सो ट्रेटिनाइल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो पी साइज अमाउंट में यूज़ करना है, बट जैसे कि मेरे तरह अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो पी साइज में मत लगाना, पी से भी कम लेना, शुरू शुरू में पी से भी कम लेके इसके स्किन के साथ पहले इसके इंट्रोड्यूस करो, बिकॉज मैंने पहले ही बोला ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक एसिड है जो स्किन सेंसिटिव स्किन है उनके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। सो पहले इसके साथ अच्छे से जब आपका स्किन जब सूट करने लगेगा, स्किन में जो और इचिंग रेडनेस ऐसा नहीं होगा, फिर पी साइज में आप जा सकते हो। सो ट्रेटिनाइल अगर आप लगा रहे हो तो उसके साथ कोई भी विटामिन सी, सैलिसिलिक एसिड, ये सारे चीज़ को आपको कंबाइन नहीं करना है।
टेटिन ऑयल, जब जिस दिन आप टेटिन ऑयल लगा रहे हो, पहले तो आप इसको परसेंटेज टू, आपको अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ अगर यूज करोगे तो आपको यही वाला टेटिन ऑयल देगा जो है 0.5%, क्योंकि कम परसेंटेज के साथ ही आपको शुरू किया जाएगा। एंड टेटिन ऑयल लगाओगे तो आप कोई ऐसा मॉइस्चराइजर आप सिलेक्ट करो उस दिन के लिए कि जो मॉइस्चराइजर में और कोई जो एक्टिव जो चीज़ है वो सारी चीज़ इंक्लूड ना हो। तो मैं जो लगा रही हूँ अभी टेटिन ऑयल के साथ वो है, मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, क्योंकि सेटाफिल सबको पता है बहुत ही सेफ मॉइस्चराइजर है। सो सेटाफिल का मैं सेंसिटिव मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ जो ड्राई टू सेंसिटिव स्किन के लिए। अभी विंटर है, मेरा नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, बट मैं इसके साथ अभी कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई भी पिंपल्स वगैरह नहीं दे रहा है। तो पहले सेटाफिल का मॉइस्चराइजर आप अप्लाई करेंगे, उसको 5 मिनट के लिए एब्जॉर्ब होने देंगे, फिर पीस अमाउंट साइज का आपको टेटिन ऑयल लेना है और उससे कम भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद पूरा अपना फेस में लगाने के बाद फिर आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। जैसे सैंडविच खाते हैं हम लोग, वैसे सैंडविच मेथड में आपको लगाना है, जैसे बर्गर आता है फिर कोई टिक्का आता है फिर बर्गर देता है, वैसे ही सैंडविच मेथड में, बर्गर मेथड में आपको लगाना है। तो इससे आपका स्किन बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डे जब आप सो के उठ रहे हो, उसके बाद अपने फेस को क्लीन करने के बाद सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, क्योंकि इसके बिना ये लगाना बेकार है। क्योंकि आप अब अगर आप रेटिन ऑयल लगा रहे हो तो आपको स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा और सेंसिटिव हो जाता है, एंड अगर सनस्क्रीन अगर अप्लाई नहीं कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, या फिर कभी कभी बाहर जा रहे हो, आप सोच रहे हो बाहर कभी कभी जाते हैं फिर घर पे रहते क्या ज़रूरत है, तो फिर आपके लिए टेटिन ऑयल नहीं है। और टेटिन ऑयल और भी मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, जिसके काम धूप में ही है, बहुत 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा या फिर ऐसे रहना होता है, वो लोग टेटिन ऑयल ना यूज़ करें तो ही अच्छा है, क्योंकि उन लोगों के लिए टेटिन ऑयल नहीं है। एंड जो लोग सनस्क्रीन भी स्किप करते हैं उन लोगों के लिए भी टेटिन ऑयल एकदम भी नहीं है। टेटिन ऑयल का बहुत सारा बेनिफिट भी है पर उसके साथ साथ साइड इफेक्ट भी है। टेटिन ऑयल पूरा स्किन में एब्जॉर्ब होता है, तो आप अगर हाई परसेंटेज से शुरू कर रहे हो, अगर विदाउट प्रेस्क्रिप्शन शुरू कर रहे हो, तो फ्यूचर में आपका स्किन के साथ साथ आपका हेल्थ में भी वो ख़राब हो सकता है। एंड टेटिन ऑयल जो प्रेग्नेंट जो लेडी है वो टेटिन ऑयल ना लगाए, एंड जो मदर है जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं वो भी टेटिन ऑयल ना लगाए तो ही अच्छा है, क्योंकि इन दोनों के लिए टेटिन ऑयल नहीं है। तो ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना है। टेटिन ऑयल एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, जितना मुझे अभी 2 मंथ में समझ में आया है, ये एक्ने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मेरा फोरहेड में पूरा एक्ने भर गया था, जो कि दो हफ्ता मुझे थोड़ा सा एडजस्ट होने में प्रॉब्लम लगा, पर उसके बाद जब धीरे धीरे वॉक करना शुरू किया, जस्ट लव इट, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड इसको मैं भी अब मैं थोड़ा और टाइम के लिए यूज़ करूँगी। सो टेटिन ऑयल पूरा मेरा फोरहेड का पिंपल्स वगैरह भी चला गया, रैश भी चला गया, मेरा जो रह रहे के जो पिंपल्स हो जाता था, जिसके लिए मुझे बहुत सारा खड्डा भी मतलब पहले पास्ट में हो चुका था, मैं डर गई थी फिर से वही चीज़ हो रहा है, पर नहीं, अब टेटिन ऑयल लगाने से मेरा पिंपल्स भी नहीं हो रहा है। एंड ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट, मतलब मेडिसिन है, प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, मेडिसिन है, जो अगर आप सही गाइडलाइंस के अंदर अगर इसको आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट भी इसका मिलेगा। एंड इसको अगर थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए लगाने में तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी देके जाता है, ये बहुत ज़्यादा ट्रू है गर्ल्स। सो आप अगर लगाओगे सो आप पहले एक बार डॉक्टर दिखा लो, उसके बाद ही अब लगाओगे तो ही अच्छा है। अदरवाइज ऐसे ही वीडियो देख के, आजकल बहुत ज़्यादा टेटिन ऑयल के बारे में ऐसा वैसा वीडियो निकल रहा है, आप लोग ने शायद देखा होगा, पर लगाओ मत, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम विथ प्रिस्क्रिप्शन भी लगाया था, मेरा स्किन में वीडियो आप लोगों को मैंने चला के दिखाया, फिर से एक बार दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम। सो यस गाइज, मत लगाओ तो ही अच्छा है, बट अगर लगा रहे हो तो एक बार प्रिस्क्रिप्शन के साथ लगाओ, तो उससे क्या होगा, आपको अगर कभी भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम भी होता है तो आप अपने डॉक्टर को
कॉल करके फोटो सेंड करके आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम आपको स्किन सूदिंग करने के लिए भी वो लोग सूदिंग जेल आपको प्रिस्क्रिप्शन करता है। मुझे प्रिस्क्रिप्शन किया था बट मैंने उस टाइम खरीदा नहीं था मेरे, क्योंकि वो सिर्फ डॉक्टर के पास ही मिलता था, तो मेरा डॉक्टर मेरा घर से बहुत दूर है। तो मैंने मुझे उस टाइम बोला था अगर अभी नहीं मिल रहा है तो आप एक काम करो, आइस को अच्छे से रब करो, वो जो रेडनेस इचिंग हो इचिनेस हो रहा था वो चला जाएगा, बट मेरा गया नहीं था। तो मैंने क्या किया था, अपना होम रेमेडीज ट्राई किया था जो मेरे पे वर्क किया था। मेरे पास एलोवेरा का प्लांट है तो मैंने उसको कट करके फ्रिज में रखा था, फिर ठंडा होने के बाद अच्छे से उसको रब करने के बाद ठंडा पानी से वॉश करने के बाद सिर्फ सेटाफिल का मॉइस्चराइजर लगा के ही मैं सो गई थी। तो मेरा स्किन बहुत ज़्यादा काम हो गया था और मुझे इचिनेस उतना ज़्यादा हो नहीं रहा था। सो गाइज, ये सारे चीज़ था जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला होगा टेक्नो ऑयल के बारे में। अगर और भी आप लोगों को कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में बोलना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है एंड हेल्पफुल भी रहा होगा। एंड कुछ भी सोचने समझने में अगर कुछ भी आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नज़र आया होगा, अभी कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा क्या इसको कैसे क्या यूज़ करना है, अभी भी कुछ भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट भी पूछ लेना, रिप्लाई कर दूंगी या फिर डीएम में। फिर आप लोगों से मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए। अगर टेक्नो ऑयल यूज़ करिए तो इसको बहुत ही सावधानी के साथ यूज़ कीजिए, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन है स्किन के लिए, बहुत ही जादू सा कमाल का काम करता है। सो यस गाइस, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते, बाय, टेक केयर।